पिछले एपिसोड में आपने देखा कोकू अपनी वाइफ हिनाटा के साथ मिलकर अपने बच्चे एस को। वेट, ये तो मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो किसी एक्सप्लेनर की स्क्रिप्ट है। रुको, मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके आता हूँ। यो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हम बात करने वाले एनिमे कम्युनिटी के सबसे हार्ड वर्किंग लोगों के बारे में। मतलब ये इतना हार्ड वर्क करते हैं जितना तुम सांस लेने में हार्ड वर्क करते हो। इतना हार्ड वर्क करते हैं जितना राहुल गांधी अपना दिमाग चलाता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो चलो बिना तेल लगाए इनकी मारते हैं। हियर वी गो। इस वीडियो के माध्यम से मैं एनिमे एक्सप्लेन करने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, और अगर इससे तुम्हारी भावना को सच में ठेस पहुंची है तो इस वीडियो का मकसद सफल हुआ। और अब तुम इसी बात पे खुद की गांड में चाकू दे लो और जाओ यहां से। एनिमे एक्सप्लेन करने वालों की ना एनिमे कम्युनिटी में उतनी ही ज़्यादा जितनी अखिलेश यादव की यूपी में, मतलब कि बिल्कुल झांट बराबर, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्लेनर्स का दोस्त उनसे पूछे तुम्हारा संभोग कैसा गया, दोस्त मुझे नहीं पता कोई क्यों पूछेगा और कोई क्यों बताएगा, बट ये एक्सप्लेनर है तो हम चलो मान लेते हैं, ऐसा भड़वापंती कर सकते हैं। हाँ भाई, तूने मेरे संभोग के बारे में पूछा था ना, तो मैं बताता हूँ भाई। पता है, पहले उसने ना अपना लिंग मेरे हाथ में दिया, फिर मैंने अपना लिंग उसके हाथ में दिया, फिर वो गोल घूमा और फिर हमने अच्छा भाई चल इसका एपिसोड 2 भी बना दे यार, कितना मजा आएगा ना इसका, तो यूट्यूब पर डालिए भाई। वैसे भी ऑडियंस तो चूतिया है, तुमको व्यूज देंगे, सब्सक्राइबर देंगे, और इसके नए नए एपिसोड बनाता जा भाई उसके साथ। तेरा भी मौज हो रहा है, ऑडियंस का भी मौज हो रहा है, और तेरे सामने वाले का भी मौज हो रहा है। ही संभोग से याद आया भाई, हमारे एक्सप्लेनर बड़े तगड़े हो चुके हैं, इंडिया के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये हेंटाई भी एक्सप्लेन करते हैं, और हेंटाई एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं खुद सुन लो। बड़ा जाने से उसके सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन नीचे का वो बात कर रहा होता है, और जब वो दूसरा पैर को खींचने लगता है, जब वो बोल रहा होता है मैं दिखना चाहता हूँ वो, और फिर वो उसका सिर को What the fuck भाई, मतलब हर बात पे चुदम चुदा की बातें चल रही है, मतलब इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। और तुम लोग बोलते हो कि मेरे चैनल पे भाई बहुत ज्यादा गाले होती, कभी इन हेंटाई एक्सप्लेनर वालों का चैनल खोल के देखा है? मतलब भाई कितनी ज्यादा, मेरे 10 वीडियो की गाले ना इनके एक वीडियो में होती है। ऐसी ऐसी बातें करते ना भाई, कैसे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने तो सुना भाई ये बहुत, ये लोग ना क्या कहते हैं आवाज भी निकालते हो, पता नहीं कैसी आवाजें निकालते हो, तुम लोग अगर इनके बात सुन के हिलाते तो भाई सच में यार शर्म करो। और ये एक्सप्लेन क्या करते होंगे, मीकासा को एरन ने अपना लिंग दिया, एरिस ने अपनी होनी दिखाई, भाई ये सब करना है तुमको, चुदम चुदाई वाली दिवाली देखनी है तो भाई मेरे को बता दो, मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर देता हूँ ना, मेरे को भी व्यूज आ जाएंगे, तुमको भी मजा आ जाएगा। अब एनिमे एक्सप्लेन करने वालों की बात ही, तो हमारे प्यारे राज दुलारे भड़वा टॉक्स ये अभिरव टॉक्स के बारे में कैसे भूल सकते हैं, तो चलो इन पे भी आते हैं। वेल, अभिरव टॉक्स ये वो बंदा है जिसने पहले एस एक्स अरीना, एस एक्स मिस्टी, एस एक्स एस एस वो, ये एस की मम्मी, एस का बहन, एस का भाई, ये सब की एम भी डालते थे और बहुत सारे व्यूज आते थे। बट तुमको पता है पोकेमोन वाले क्या इतना डंडा बड़ा लेके बैठे ना, वो घुसा देते जो देखता घुसा देते, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी भी प्यार की लव स्टोरी बनाओ, ठीक है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर इनके दिमाग के अंदर एक भंड हुआ कीड़ा घुस गया, और उस भंड हुए कीड़े ने इसको इतना भंड करा, इतना भंड करा कि इसने साइतामा का टकला चाट लिया। वो बाद में पता चला जॉनी भैया का कुछ और निकला, बट इनको फर्क क्या पड़ता भाई जॉनी भैया का कुछ और निकले या ना निकले, इनको व्यूज इतने ज्यादा सब्सक्राइबर से मतलब है कि हर तरह के खंड बकचोदी पेल के रहेंगे, इनको मतलब नहीं, इनको भाई कभी किसी का भी चटवा दो चटवा दो भाई, इनको बस व्यूज चाहिए, ठीक है। और अभिनव टॉक्स की बात आई तो बीस्ट फैंटेसी भाई को कैसे भूल सकते हैं, ये वो बंदे ना जिनको कुछ भी दिख जाए सामने उस पर वीडियो डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। और मैं बताता हूँ इनका चैनल कैसे खुला था, ये एक दिन हक रहे थे और इन्होंने अपना कुछ देख लिया, मतलब हकते हुए जो तुम करते हो ना वो इन्होंने देख लिया, इसके बाद इनके दिमाग में चलो चैनल खोलते, और अब ये लगातार यूट्यूब पे हकते रहते हैं और लोगों का मतलब बकचोदी पेलते रहते हैं। भाई शर्म कर लो यार, कुछ अच्छा कर लो चूतिया साला। भाई देखो, पहले एनिमे रिव्यू ना बहुत सही से होता था, तब लोगों को एनिमे रिव्यू और एनिमे एक्सप्लेन के बीच में फर्क पता था, ठीक है, बट आजकल के लोग तो भाई अलग नशेड़ी हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम भंड हो रखे हैं, और पहले की थंबनेल्स भी अच्छी होती थी भाई। आजकल की थंबनेल भाई किसी की डेथ नोट को देख के गांड फट रही है, पता नहीं किसी की नसबंदी हो गई होगी, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, मतलब पता नहीं कहीं किसी को कोने में बैठ कर ऑर्गेज्म ना आ रहा हो डेथ नोट देख के, बहुत लोग हैं भाई ऐसे चुटिया करते रहते हैं, ठीक है। और आजकल के लोग ना भाई एनिमे रिव्यू के नाम पर पूरा एनिमे एक्सप्लेन कर देते, उसमें स्पॉइलर दे देते। हाँ वो बात लगे कि मैंने भी ऐसा करा है, बट हाँ तुम सब चूती हो साले। तो मुझे ये
ये बताओ तुम्हें एनिमे एपिसोड नहीं तुमको किसी भी चीज का रिएक्शन देखकर कौन सी खुशी मिल जाती है, कौन सी चरम सुख प्राप्त हो जाती है, कौन से ऑर्गेजम आ जाते हैं कि तुम्हें रिएक्शन देखकर मतलब लोगों को जीवन उसको देख रहे हैं वही एपिसोड देख हाँ हाँ यही कर रहे हैं नॉर्मली रिएक्शन होता है और पता नहीं तुम्हारे दिल में कौन से घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है भाई आज के लोगों को। और पता ये रिएक्शन देखकर खुश होने वाले वही लोग हैं जो अपने दोस्त के ओपिनियन को चूतिया बोलकर उसकी गेंद मार के उसको भगा देते हैं और कुछ भी वैल्यू नहीं देते और ऑनलाइन एक दूसरे की गेंद मारने लगते हैं, बट इनको रिएक्शन देखकर पता नहीं क्या हो जाता है लिटरली भाई। अब मुझे डर लगने लगा है, अभी तो लोग सिर्फ हेंटाई पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगली बार रिएक्शन देने लग जाए तो भाई पता नहीं क्या होगा, वो भी लड़का मतलब रिएक्शन दे रहा है क्या होगा, तो मुझे देख के क्या हो जाएगा। ये दुनिया में बता रहा हूँ संकट में आ चुकी है, दुनिया खत्म होने वाली है रिएक्शन देखने के बाद, तुम लोग भी उसके रिएक्शन देख के खुद भी मास्टरबेट करोगे और दूसरों को भी करवाओगे मेरे को पता है। भाई देखो जो लोग ऐसे वीडियो देखकर ना कमेंट करते हैं भाई कितना मस्त वीडियो था, क्या ही एडिटिंग थी, क्या ही स्क्रिप्टिंग थी भाई, एकदम मजा आ गया, ये वही लोग हैं। अगर तुम इनकी बुंडे में ना बांसुरी घुसा के बजा दोगे ना तो ये वही बोलेंगे कि भाई क्या खतरनाक क्रिएटिव थी भाई, अब एक और करो इसके करो वो भी करो। और ये लोग कमेंट में लिखते भाई जल्दी एपिसोड 2 एक्सप्लेन करो, मेरे से रहा नहीं जा रहा यार, मेरे को मास्टरबेट करना है तुम्हारी आवाज़ सुन के, ये करना है वो करना है, भाई ये सब इतना चुतिया मचा रखा है ना भाई, इनके कमेंट सेक्शन में जाती मेरे को कैंसर हो जाता है। और भाई मेरे को तुम ये बताओ एक ही चीज़ बार बार सुनकर क्या मजा आ जाता है, मतलब बकचोदी होती है, और एडिटिंग के नाम पे कोई रैंडम एम भी डाल देंगे उसी एपिसोड की या फिर मतलब उसी एनिमे की, और कुछ नहीं करेंगे या इमेजेस डाल देंगे ठीक है और कुछ भी नहीं होने वाला, और स्क्रिप्ट के नाम पे जो एपिसोड में हुआ है वही मतलब डाल देते हैं, और पता नहीं इनके वीडियो देख के लोगों को क्या ऑर्गेज्म आ जाने लगते हैं कि मास्टरबेट करने लगते हैं इनकी वीडियो देखकर। तो फाइनली गाइस वीडियो खत्म और मेरा गला फिर से मतलब दर्द करने लगा इतना चिल्ला चिल्ला के, बट कोई बात नहीं कर लेंगे, और मुझे पता है बहुत लेट वीडियो आई और शायद इतनी फनी भी ना हो, और क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला ये सब मैंने बहुत जल्दी जल्दी करा, इसमें एडिटिंग भी मैंने ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा यार, ठीक है समझा करो थोड़ा बहुत, बट कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो अच्छी हो जाए, जब भी टाइम मिलेगा मैं जल्दी से रिकॉर्ड करूँगा, और उम्मीद करो कि अगली जो वीडियो है वो इससे जल्दी आ जाए ठीक है। और एक्सप्लेनर वालों बुरा मत मानना क्योंकि तुम चूती हो, बुरा मानोगे वैसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कुछ दोस्त भी एक्सप्लेनर हैं वो भी बुरा मान जाएंगे शायद, बट मानते तो भाई गांड मराओ तुम क्या ही बात की हो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, हाँ ये बेन 10 वाले ज्यादा नहीं चल रहे आजकल।